नेक्स्ट प्रॉब्लम मुझे देखने को मिलती है कॉलेज स्टूडेंट के बीच में, वो रहती है चूजिंग अ मेजर। जब एज अ कैरियर ऑप्शन हम चूज कर रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं, तो हम क्या इन्फ्लुएंस किन चीजों से होते हैं कि हमारे आसपास के लोग क्या चीजें कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, हमारे जो बैचमेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे हॉस्टल में जो भैया लोग हैं वो या दीदी लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। तो कैरियर ऑप्शन जब हम डिसाइड करते हैं अपने लिए, तो हम अपने आसपास की जो क्राउड है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसे ही कहते हैं चूजिंग अ मेजर, मतलब भीड़ का हिस्सा बनना। बट इससे क्या होता है ना, आप आउट ऑफ प्रेशर में आकर डिसीजन लेते हो। जो आपका ये प्रेशर है, ये हो सकता है कि ये डिसीजन आपके फेवर में ना हो या आप पे सुटेबल ना हो। तो यहाँ पर इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन मुझे ये लगता है कि आपको ना एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेना चाहिए, जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, आपको वीकनेसेस पता होना चाहिए, और जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आपको कितने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है, टाइम कितना लगेगा, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिस पर पूरी तरीके से सोचना चाहिए, टाइम देना चाहिए, देन आपको एक कैलकुलेटेड डिसीजंस लेना चाहिए।